मध्य प्रदेश के कटनी में किसान संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन, तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, आज भारी मात्रा में किसान मजदूरों के संघ किसान संघर्ष समिति व पिछड़ा समाज पार्टी के बैनर तले कचहरी चौराहे पर जुलूस के साथ इकट्ठे होकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें 7 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। साथ ही गरीब किसानों को पट्टे, आदिवासी भूमि पर कब्जेदारी के पट्टे का वितरण, किसान कर्ज माफी योजना का लाभान्वित, किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र, बैंकों से कर्ज के नाम से फर्जी दस्तावेज से ऋण निकालकर दलालों से साठगांठ कर लोगों को जबरन परेशान किया जा रहा है, और जिले में अवैध शराब की दुकानों पर लगाम और हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया आदि मांगों के साथ डॉक्टर AK खान के साथ किसानों की भीड़ भी मौजूद रही। कटनी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर AK खान और श्री चैतु पटेल जी और सरावगी जी के नेतृत्व पे इन लोगों ने अपना शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपा है, और इसमें इन्हें आवासीय पट्टों की मांग की है, जो स्पेशली भीमरखेड़ा तहसील से आए लोग हैं तथा अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है उस पर, और इनकी और सारी समस्याएं जो इनके ज्ञापन में लिखी गई हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम सौंपा गया है। इनकी जो स्थानीय लेवल की समस्या है, कलेक्टर महोदय को इनके लिखे हुए ज्ञापन में और इनके मौखिक जो यहाँ पर बताई गई हैं उसको अवगत कराते हुए निराकरण के लिए तत्परता से प्रयास किए जाएंगे तथा इस शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपने के लिए प्रशासन की तरफ से हम इनको धन्यवाद ज्ञापन सौंपते हैं। धन्यवाद। आज हम लोगों ने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि जो सरकार ने कहा था कि हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, अगर वास्तव में सरकार की नीयत साफ है और कर्ज माफ हुआ है तो किसानों को उनके प्रमाण पत्र दे दिए जाएँ ताकि उनको परेशानी ना जाए। किसानों को खाद बीज नहीं मिल रही है, बल्कि बैंक मैनेजरों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा, उनके खातों में होल्ड लगाया जा रहा, यहाँ तक कि गरीबों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। दूसरा, हम लोगों का कहना है कि पूरे ज़िले के अंदर हजारों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास की लाभ के लिए उसकी लालच में अपने अपने घरों को वैसे ही छोड़ दिया था, आज वो गिर गए हैं। आज हजारों की तादाद में लोग खुले आसमान के तले रहने के लिए मजबूर हैं, तो प्रधानमंत्री का आवास गरीबों को लाभ दिया जाए। दूसरा, जो गांव-गांव में खुलेआम शराब बिक रही है उस शराब को तत्काल प्रशासन बंद करे। तीसरा, हम लोगों का एक है कि जो आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे नहीं मिल रहे हैं उन्हें तत्काल पट्टे दिए जाएं। आज हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से ज्ञापन दिया, हमारे ज्ञापन को लेने माननीय तहसीलदार महोदय उपस्थित हुए। हम धन्यवाद देते हैं कि समय ज़्यादा हो गया लेकिन उसके बाद भी अधिकारी कर्मचारियों ने हमारे ज्ञापन को लिया, गरीबों की समस्या को सुना, मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में आपके माध्यम से सरकार को सचेत कर देना चाहता हूं कि हम लोग किसान संघर्ष समिति के लोग हैं, सरकार जानती है, इनने पहले भी गोली चला के 24 किसानों को शहीद किया था। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, समय रहते इन समस्याओं का निदान हो जाए, और नहीं तो अगली लड़ाई हमारी मुख्यमंत्री जी के बंगले पे होगी। क्या नाम है सर आपका? मैं किसान संघर्ष समिति से प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर AK खान।